ज्ञान पाया अमृत छक छके मनुख दा इतिहास आद काल तो अध्ययन करदियां पता चलदा है कि मनुख खुशियां ते खेड़े वाला जीवन प्राप्त करना चाहुंदा है। जो भी अज तक यतन कीता जां इन फ्यूचर जो मनुख करना चाहुंदा है उहदे पिछे इको एक प्रमुख निशाना है कि मैं सुखी किवें होवां। इसने जो भी इसनू कोई साधन दिखाई दिता सुख देने वाला उस साधन नू इने अपनी जिंदगी विच लियांदा, पर यतन करदियां करदियां अज मनुख उस मोड़ ते पहुँच गया है कि बेअंत सुखां दे साधन हुंदियां भी इहदी जिंदगी विच समस्यावां उही हन जिहड़ियां अज तों हज़ारां साल पहलां सन। उस वेले जिंदगी दी रफ्तार किसे होर किस्म दी सी, अज जिंदगी दी रफ्तार बखरी किस्म दी है। जो समस्यावां हजारां साल पहलां सन अज ओह कई गुणा वध गईआं ने। इस तों सिद्ध हुंदा है कि मनुख नूं बहुत कुछ ऐसा है जिस दी समझ नहीं पई। उस दी समझ पै सकदी है धर्म दे विचों, पर जिंदगी विच धर्म नूं समझण वास्ते भी मनुख तकरीबन तकरीबन खता खांदा रहा। श्री आसा दी वार दी इस अठवीं पौड़ी विच सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह सानू दसदे हन कि ऐ प्यारिओ, तू जो अपने मन अंदर ये चिंता रखी बैठा है कि मैं सुखी किवें होवां, ये चिंता दी बजाए तू अपना ध्यान उस रब्बी शक्ति वल कर जो इस संसार नू चला रही है, और उस शक्ति ने ही अपना एक जो निज़म बनाया होया है उस निज़म दे अनुसार जिंदगी बतीत करदियां ही सुख मिल सकता है। जो उस निज़म तो बाहर चलिया गया वो सदा ही टेंशन दुखां कल्पनावां विच है। आओ अठवीं पौड़ी दे नाल पहला श्लोक सरवण करिए जी। श्लोक महला पहला। पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेहगा खेता दीपालोआ मंडला खंडा वर पंडा अंडज जे रज उत्पजा खानी से तजा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जनते उपाय कै सबना जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता करे जिने उपाया जग तिस जोहारी
सोअस्त तिस दी बाण अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे इस पावन पवित्र श्लोक अंदर साढ़े सन्मुख एक सिद्धांत पेश किया गया है जिस बल मनुख दा आम ध्यान नहीं है। मनुख दे चार चफेरे इसनू जो कुछ भी दिखाई दिता इसने उसनू जानन दी कोशिश कीती। हर पद्धर दा संपूर्ण ज्ञान इसने हर तरह दे पदार्थ इत्यादिक दा ते उसकी गिनती मिनती करन दी कोशिश कीती। दूसरी इच्छा सी कि इस संसार बारे सब कुछ जान के फिर जिथों भी इसनू सुख मिले उस सुख नू पाउण दे लई मनुख तुरिया होया। जे ये कह दिता जावे कि मनुख ने अज तक सुखां दे साधन जितने पैदा किते सुखी होने का एक एक्सपैरिमेंट ही किया सुखी नहीं हो सकया, तजर्बे करता रहा, इनू तजर्बियां विचों इंज लगता रहा कि मैं सफल हो गया पर सुखी क्यों नहीं हो सकया, क्योंकि ये मन के चलिया होया कि मैं एक ना एक दिन इसनू जान लवांगा। इस श्लोक अंदर सतगुरु जी कहिंदे प्यारियो सो मित जाणै नानका, इस संसार दी पूर्ण मिणती कोई भी नहीं कर सकदा। इस विच जिक्र कीता गया पुरखां भाव जितने मनुख वाहिगुरु ने पैदा कीते ने, बिरखां ब्रिक्ष तीर्थ आदिक, तट तो मुराद है नदी दरिया का किनारा, मेघा भाव बदलों की, खेतां जमीन पैली आदिक की जो गिनती है इसनू केवल वाहिगुरु ही जानते ने, गिनती नहीं हो सकती ना मनुखां दी, ना ब्रिक्ष गिने जा सकते ने, ना तीर्थ ते ना तीर्थां दे तट, ना बदल, ना ही ये जितने दीप लो मंडल खंड ब्रह्मांड आदिक हन उदी भी गिनती नहीं हो सकती। देखिया जावे ते अज दी साइंस ने ये महातारका मंडली जो इसकी पकड़ विच आई उदा भी पूर्ण ज्ञान मनुख कोल नहीं पहुँच सकिया। इंज कह लो कि जितना भी इन्हें ज्ञान प्राप्त किया इसनू पता चलता है कि अगे होर भी बहुत कुछ है। अगली पंक्ति वे सतगुरु जी कहिंदे इस संसार विच जिहड़े उत्पत्ति दे कारण ने पैदाइश किवें हो रही है, अंडज अंडियां तों पैदा हो रहा, पंछियां दा जगत बेअंत किस्म दे जीव अंडियां विचों पैदा हुंदे ने, बेअंत किस्म दे जीव गर्भ विचों पैदा हो रहे ने जिन्हां नूं जेरज खाणी किया। उत्भुज कहिंदे ने धरती दे विचों अपनियां भुजावां नूं उपर करके पैदा होण वाले जानी ब्रिश बनस्पति। एक बीज धरती विच बीज दिता जांदा, उहदियां जो कुरंबलां निकलदियां ने उह बीज दियां बाहां मनियां ने, उह धरती चों बाहर अपनियां बाहां रूपी कुरंबलां कढ़दा, उस नूं कहिंदे उत्भुज खाणी। फिर अगे है सेतज खाणी, मैल पसीने आदिक तो पैदा होने वाली। ये कितनी किस्म दे जीव जंतु वाहिगुरु परमेशर ने पैदा किते। फिर सरोवर सरा मेरा दे अर्थ ने पर्वत पहाड़, जनता दे अर्थ ने जीव, इन्हां दी गिनती ओही जानदा है जो इसनू पैदा कर रहा है। जिसनू किसे ने वाहिगुरु कहा, किसे ने राम कहा, किसे ने अल्लाह कहा, किसे ने गॉड कहा, बख बखरे नाम आपो अपने कल्पनात्मिक उडारियां अनुसार दिते,
पर ओ परम शक्ति जिसने संसार नू पैदा कीता, केवल पैदा ही नहीं उसे शक्ति ने नानक जंत उपाय कै संभाले सबना। किसे विशेष निजम दे अधीन ही एक सफलता मनुख दी झोली पैंदी है। मनुख जो कुछ भी चाहुंदा है करन नू गुरबाणी दा फैसला, नर चाहत कछ और है की और है भई। नित मनुख नाल वापरदी है, मनुख जितना चाहुंदा है जरूरी नहीं उतना ही उसका पूरा हो जावे। कई वारी वह बहुत कुछ चाहुंदा है बहुत घट प्राप्त हुंदा है, ते कदी उल्ट वापरदा है चाहुंदा बहुत घट सी मिल गया बहुत ज्यादा। वो जो निजम वाहिगुरु परमेश्वर ने परम शक्ति ने पैदा किया, जिस बारे सतगुरु जी कहंदे वो सारयां दी संभाल कर रहे ने, पालन पोषण करन वाली इस संसार नू चलाउण वाली शक्ति कोई होर है। जिन करतै करना किया, जिस करते पुरख वाहिगुरु जी ने इस सृष्टि दुनिया नू रच दिता, चिंता पे करनी ता ओ ही इस सृष्टि नू चलाउण दा ख्याल कर रहा है। मनुख दे मन अंदर कई बारी इस तरह दा जज्बा प्रगट हुंदा है कि अपने परिवार नू जां कारोबार नू मैं चला रहा। कदी कदाई मनुख नू इत्थों तक भी भरम हो जांदा है कि शायद इस सूबे नू जां देश नू मैं चला रहा, ते कदी कदाई इह शिखर ते पहुंच जांदा है, इहनू लगदा है कि दुनिया दे एक खिते नू मैं चला रहा, एक हिस्से नू मैं चला रहा, ते शायद किते इह भी शिखर ते पहुंच जावे ख्याल कि शायद दुनिया नू ही मैं चला रहा। कहिंदे ने पुरातन समय विच धार्मिक ग्रंथां विच इतिहासक साखियां लिखियां ने, हरनाखश नाम दे राजे नू इहो ही अहंग भाव पैदा हो गया सी कि संसार नू मैं चला रहा हाँ। बीबी रजनी दे पिता दुनी चंद नू इह अहंकार पैदा हो गया सी परिवार नू मैं चला रहा। इन्हां दोनां दे जीवन दी गाथा है, बीबी रजनी दे घर विच पैदा होई, इसे दी धी ने सपुत्री ने कह दिता पिता जी तुसीं नहीं, चलाउण वाला कोई होर है, देण वाला कोई होर है। हरनाखश दे घर पैदा होए पुत्र ने भी यही गल कही। तो खैर जदों मनुख नू समझ पवे कि ओह ही जगत दा ख्याल कर रहा जिसने जगत नू पैदा कीता, फिर सतगुरु जी कहिंदे प्यारिओ उस शक्ति नू आत्म समर्पण हो के तिस जोहारी भाव मैं प्रणाम करदा हाँ, मैं सदके जांदा हाँ। स्वस्थ तिस उस परम शक्ति दी जय जयकार होवे, वाहिगुरु परमेश्वर दी जय जयकार आखदा हाँ। तिस दीवान अभग उस प्रभु दा आसरा सदा है, संसार नू आसरा परम शक्ति दा है। फिर उस दे नाम रंग विच रंगे जाना, नाम रंग विच रंगे जाण दे अर्थ ने सच दा रस पीना, सच दे मार्ग ते तुरना, सच नू जिंदगी विच अपना लेना। उस तो बिना सतगुरु जी कहंदे नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। टिक्का मस्तक ते लाया होया धार्मिक निशान है, तग जनेऊ भी एक धार्मिक निशान है, ते धार्मिक जितने निशान ने ओ धर्मी होना अखवा सकदे ने, धर्मी बनन दे लई प्रभु दा नाम सिमरन दा रस सच दा रस जरूरी है। इसे सिद्धांत नू अगले श्लोक ते पौड़ी अंदर सतगुरु होर बख्शिश कर रहे हन। महला पहला लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना परवान, लख तप ऊपर तीर्थां सहज जोग विबान, लख सूर तन संग्राम रण में छुटे परान,
लख सुरते लख ज्ञान ध्यान बड़ी पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आमन जान नानक मती मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी सचा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देख मिले सच तातनी सच कमाया सतगुर मिलिया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काके आया काके आया काके आया। इस पौड़ी अंदर सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी ने दो तरह का जीवन साढ़े सामने रखे। एक ओ जिसने धर्म के ज्ञान तो रहनुमाई लैके अपने जीवन का ढंग धर्मी बनाया, दूसरा जीवन ओ जिसने धर्म नूं कोई महत्ता नहीं दिती अपनी ही मत नूं वरत के संसारी रसा नूं मानना ही जीवन का ढंग चुन लिया। इस पौड़ी दे नाल जो श्लोक अंकित है उस विच सतगुरु जी कहिंदे प्यारिओ जदों धर्म निभाउण ते धर्म कमाउण दी गल कीती जांदी है उस विच इह परखिया जांदा है कि की धर्मी दे जीवन विच सच दी सुगंधी सच दा रस सच दा निशान आ गया, क्योंकि जो जीवन सच्चा होवेगा उहदे बोलां विच्चों दुनिया नूं सच दी सुगंधी मिलेगी। जिस दे हिरदे विच सच होवेगा उह जिंदगी विच जदों कारोबार करेगा ते दुनिया नूं सच वंडेगा। उहदे जीवन दा जो इफेक्ट दूसरे ते पवेगा उसनू कहिंदे ने वाहिगुरु दी बख्शिश दा निशान। जे धर्मी हो के धर्म दे कर्म करके भी अंदर सच दी बख्शिश दा निशान ना आया सतगुरु कहिंदे फिर धर्म नू समझिया नहीं। पंक्तियां सन लख नेकियां लखां ही नेकी दे चंगियाइयां दे काम कीते जान लखां ही ओ धर्म दे कर्म जिन्हों पुन किया परवान तो भाव जेड़े लोकां दीआं नज़रां विच भी चंगे कर्म मन्ने ओ चंगे कर्म पुन कर्म भी कीते जान लखां ही तप कीते तीर्थां दे उपर जाके ते फिर सहज जोग जोग मत विच अपने मन अंदर फुरने ख्याल रोक लेने कोई थाउट्स की वाइब्रेशन अंदर पैदा ना होवे अंदर कोई विचार उत्पन्न ना होवे उसनू कहिंदे सुन समाधि। तीर्थां दे उपर जाके जां जंगलां दे विच जाके बेबाण बेबाण नाम जंगलां दा समाधि लाई अपने अंदरले फुरने भी रोके ते जां फिर कुछ ऐसे जीवन जिन्हां ने रणभूमि विच जाके जानी बैटरफील्ड दे विच जंगे मैदानां विच जाके बहादरी दे कारनामे भी कीते होण सुरमे दुनिया ते कहलाए होण ते रण मह छुटै प्राण जंगे मैदान विच अपने विरोधी नाल जूझदिया होया उत्थे शहीदियां पा गए होण भाव जाना कुरबान कर गए होण ते लखां ही सुरती नूं एकागर करन दे सुरती नूं पकाउण दे लख सुरती लख ज्ञान ध्यान ए यतन कीते होण ज्ञान बेअंत प्राप्त कीता होवे ए ध्यान आदिक दे
ਹੋਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਉਹ ਪਾਠ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਚਿਆ ਉਹ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਦਾ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਗਊ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ। ਹਰ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਣ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗੰਧ ਬਣਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੱਚ ਬਣਦਾ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ, ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਚ? ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਅੱਜ ਕੂੜ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਕੁਝ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਬੈਠਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਝੂਠ ਕਦੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕਦੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਖੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਪਣਾਵੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਗਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪੋਂਸਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਐਸ ਗੋਗੀਆ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਟਾਕਸ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ। ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਆਲ ਫੀਲਡਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਹੈ।